चालू किया और दिल्ली को अशांत किया। मैं कहना चाहता हूं एक कांग्रेस पार्टी इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड देना चाहिए। मित्रों उनकी व्यक्तिगत केजरीवाल जी की व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिल्ली विकास से गुमराह हो गई। उन्होंने जो वादों किए थे 2015 में कोई सुविधा नहीं लेंगे बंगलो नहीं लेंगे गाड़ी नहीं लेंगे वो सब ले लिया वो तो छोड़ दो। उसके अलावे 80% वादे जो जन कल्याण के थे वो भी पूरा नहीं किया। भाई केजरीवाल आपका संकल्प पत्र आपका घोषणा पत्र लेकर एक बार दिल्ली की जनता के सामने आ पाए। औद्योगिक मजदूरों की स्थिति भी बहुत खराब और अवैध इकाइयों का एक बहुत बड़ा जाल बन चुका है। अभी अभी जो 3 आग लगी हैं वो उसको बताते हैं। 8 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था कुछ नहीं हुआ। एक सर्वे हुआ पीने का पानी कैसा है दिल्ली के, देश में सबसे ज्यादा सैंपल पीने के पानी के फेल गए तो दिल्ली सरकार के फेल गए दिल्ली की जनता। और मैं मानता हूं आपने कहा था वो किया होता तो आज ये सैंपल फेल न जाते, मगर आपने करने की जगह ना करने की कसम खाई है, कोई करता है उसको रोकने की कसम खाई है, इसलिए आज स्थिति का निर्माण हुआ। भाइयों बहनों मैं आज यहां पर भूमि पूजन के लिए आया हूं, तब भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे शहरी विकास मंत्री सरदार हरदीप पुरी को और हमारे 7 सांसदों को हमारे विधायक पंडित शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये हो गया ऐसे नहीं होता है। सांसद और विधायक दिन रात पीछे लगकर सरकार को दौड़ाते हैं तब जाकर होता है। आपके सांसद गौतम गंभीर जी कई बार मुझे अनेक अनेक चीजें लेकर मिले हैं, यहां फोन करा देते थे वहां फोन, उठते नहीं है फोन करे बगैर। इस प्रकार से काम करने वाले सांसद आपने चुने हैं, उसी प्रकार से काम करने वाले विधायक चुनकर दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि जो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं सारे वादे हम पूरे करेंगे। मंत्री अमित शाह को उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दिल्ली की हिंसा को लेकर व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा दिल्ली की हिंसा पर अगर कोई अव्यवस्था हुई है तो वो सरकार की तरफ से हुई है, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से हुई है। करोड़ में बिका इमरान का ईमान, अब चिड़िया बेचकर कंगाली दूर करेगा पाकिस्तान। जिस शिकार को बोलते थे राष्ट्रीय शर्म, अब उससे कमाएंगे पैसा। कि जो कानून हमारे पाकिस्तानियों के लिए वो भी अरबों के लिए शहजादों के लिए सबके लिए। 2016 में विरोध, 2019 में इजाजत। नहीं, ये खबर सुन के मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी हुई है और मैं सर पकड़ के इसलिए बैठ गया हूँ कि इमरान खान साहब आप कितने यूटर्न लेंगे, कितनी बातों पे यूटर्न लेंगे, आप करना क्या चाहते हैं मुल्क के साथ। पाकिस्तान पैसे के लिए अब चिड़िया की जान लेगा। पाकिस्तान की कंगाली, चिड़िया भी बेच डाली। तो पाकिस्तान की खस्ता हालत, उसकी जो माली हालत है वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, लेकिन उसे सुधारने के कदम उठाने की बजाय अब इमरान खान बेजुबान पक्षियों तक का सौदा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान पक्षियों के शिकार की इजाजत को राष्ट्रीय शर्म बताया करते थे
और अब वो खुद ही अपनी बात से यूटर्न लेकर बहरीन के शाही परिवार को 2 करोड़ रुपए लेकर शिकार की इजाजत इमरान ने ही दे दी है। पैसों के लिए एक बेजुबान के शिकार की इजाजत। इमरान खान का सबसे बड़ा यूट्यूब। ।2016 में विरोध, 2019 में इजाजत। दुनिया जानती है कि इमरान खान किसी भी वक्त अपनी बात से पलटी मारने में माहिर हैं। एक बार फिर इमरान का ये दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान में कंगाली की ऐसी हालत हो गई है कि अब पैसों के लिए इमरान खान एक विलुप्त होते पक्षी के शिकार की इजाजत देने लगे हैं, जिसके शिकार को वो खुद 3 साल पहले तक राष्ट्रीय शर्म कहा करते थे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसी शिकार की इजाजत दी है। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए बहरीन के राजा को सोन चिरैया के शिकार की मंजूरी दे दी है। शाही परिवार के 7 सदस्यों को 100-100 पक्षियों के शिकार की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान में संरक्षित पक्षी हाउबारा बस्टेड यानी सोन चिरैया को लुप्त प्रजाति माना जाता है। पाकिस्तान में सोन चिरैया को तलोरा कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे नायाब परिंदा भी कहते हैं और इसके शिकार पर पाकिस्तान में पाबंदी है। लेकिन पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए इमरान खान को ये तरीका दिखा कि एक बेजुबान के शिकार से पैसे कमाने का मौका ढूंढ निकाला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में शिकार के लिए आने वाले शाही मेहमानों की आवभगत के लिए खास निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को कहा गया है कि शाही परिवार के सदस्यों को हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएं। पाकिस्तान में सोन चिरैया के शिकार पर बैन है, लेकिन इसी पाकिस्तान की जमीन पर अरब मुल्क के शाही परिवारों के लिए शिकार पर कोई मनाही नहीं है। जो पक्षी सर्दी के दिनों में पाकिस्तान में मेहमान बनकर आते हैं, पाकिस्तान हर साल इनका इस्तेमाल अरब देशों को खुश करने के लिए करता है। 2017 में लाहौर हाईकोर्ट ने तलोर के शिकार पर रोक लगाते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इसे विलुप्त प्राय पक्षियों की श्रेणी में रखा है। तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। सरकार ने तर्क दिया कि शाही परिवारों को शिकार की इजाजत देना विदेश नीति का अहम हिस्सा है। तब विपक्ष में बैठे इमरान खान ने इसे राष्ट्रीय शर्म करार दे डाला था। विपक्ष में बैठे इमरान खान शिकार के लिए परमिट जारी करने का पुरजोर विरोध किया करते थे कि जो कानून हमारे पाकिस्तानियों के लिए, वो भी अरबों के लिए, शहजादों के लिए, सबके लिए। इमरान खान के यूटर्न का सबसे बड़ा सबूत उनके ट्विटर अकाउंट पर ही मौजूद है। सोन चिरैया के शिकार को लेकर इमरान खान के जरा 2016 के ट्वीट्स देखिए, जहां वो नवाज शरीफ सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। 2016 में शिकार की खिलाफत करने वाले इमरान खान आज खुद 2 करोड़ के लिए अपनी ही बात से मुकर गए। इमरान खान के पलटीमार होने का इससे बड़ा सबूत क्या ही हो सकता है। ये खबर सुन के मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी हुई है और मैं सर पकड़ के इसलिए बैठ गया हूँ कि इमरान खान साहब, आप कितने यूटर्न लेंगे, कितनी बातों पे यूटर्न लेंगे, आप करना क्या चाहते हैं स्कूल के साथ? आप हमें जंगली हयात के बारे में पूरा पूरा एक एक घंटे का भाषण देते थे, लेक्चर देते थे कि ये तिलोर, ये बेचारा परिंदा, ये ऑफस्टर्ड, ये कहाँ से आते हैं, उड़ के आते हैं, हमें समझाते थे, पर आप फिर कर रहे हैं। इमरान खान साहब, अगर आपकी ये मजबूरी है कि आपने अपनी डिप्लोमेसी को या अपने बिजनेस को रन करने के लिए या पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए यू टर्न लिया है, तो हम आपकी उस फिलॉसफी को क्या समझें जो आपने हमें पट्टी पढ़ाई थी और जिसकी बुनियाद पर हमने आपको वोट दिया था। 2016 में कतर के शाही परिवार को शिकार की इजाजत देने के बाद इस फैसले का पाकिस्तान समेत कई जगहों पर विरोध हुआ था। इमरान खान खुद बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन आज उनकी सरकार भी यही फैसला ले रही है। इमरान सरकार में कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अब पैसे कमाने का ये नया तरीका नजर आ रहा है। सरकार के पास रोजमर्रा खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एयरपोर्ट तक गिरवी रखने की बातें की जा रही है। अब जब इमरान को और कोई तरीका नहीं दिखाई दिया तो वो अपनी ही बात से मुकरते हुए कुछ पैसों की खातिर एक बेजुबान का सौदा करने से भी नहीं चूके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि सोन चिरैया पक्षी की खासियत क्या होती है। पाकिस्तान का संरक्षित पक्षी है सोन चिरैया। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान पहुंचती है सोन चिरैया। सोन चिरैया का वजन करीब 15 किलो होता है और पाकिस्तान के लोगों के लिए इसके शिकार पर प्रतिबंध है। अरब के लोग सोन चिरैया का शिकार करते हैं, बाज के जरिए करते हैं सोन चिरैया का शिकार। इन पक्षियों का शिकार करना आसान होता है। और आपको ये भी बता दें कि अरब के शेख सोन चिरैया को सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं।